हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपनी पिछली वीडियो को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.6 ML अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कर लिए थे। आज हम इसके अंदर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 17 तक। और आई होप आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा, सारे क्वेश्चन समझ लिए होंगे। अगर नहीं देखा है बेसिक वीडियो और पिछला वीडियो, तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में मैं दे रहा हूँ। पहले बेसिक वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक का जो वीडियो है पिछला, उसको देख लीजिए, उनको समझ लीजिए। उनको समझने के बाद फिर आप इस वीडियो पर आएँ। और साथ ही आप सबसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, यानी जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्होंने चैनल को बहुत सपोर्ट किया, और ऐसी उम्मीद हम करते हैं कि आप भी हमारे साथ पूरा सपोर्ट करेंगे और चैनल का जो कंटेंट है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपको लगता है कि चैनल में हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो उसके लिए आप सभी के सजेशन का बहुत बहुत स्वागत है। तो आगे हम बढ़ते हैं, अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, जो 9th क्वेश्चन था, वो भी उसके अंदर भी 3 टैप थे, 2 इनलेट थे, 1 आउटलेट था। यहाँ पर भी ऐसे ही है कि एक इनलेट है, एक आउटलेट है। आउटलेट का टाइम हमें दिया नहीं है, आउटलेट का टाइम हमें निकालना है, लेकिन टोटल टाइम दिया हुआ है कि टोटल टाइम कितना लगता है हमें भरने में। इसमें कह रहा है कि आपको 40 मिनट्स टोटल भरने में लगते हैं। जो पहले वाला पाइप है हमारा, वो 20 मिनट्स ले रहा है, यानी 1 मिनट के अंदर वो उसने कितना काम किया, 1/20। जो सेकेंड पाइप है वो 60 मिनट ले रहा है, यानी 1 मिनट के अंदर उसका काम कितना है, 1/60। और जो आउटलेट है उसका काम, उसका टाइम कितना है, उसका टाइम मान लेते हैं हम एक्स है, तो वो 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 1/x। अब ये तीनों जब इकट्ठे चल रहे हैं, तो एक पूरे टैंक को ये 40 मिनट्स के अंदर फिल कर पा रहे हैं, यानी इन तीनों का 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा, 1/40। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को उधर ले जाइए, x को इधर लाइए, तो ये आया 1/20 प्लस 1/60 माइनस 1/40 इक्वल्स टू 1/x। एलसीएम लेंगे 20, 60, 40, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 120, तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस 2 माइनस 3, तो 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 3 5 अपॉन 120 इक्वल्स टू 1/x। 5 से हमने इसको कैंसिल करा, तो आपके पास आ गया 24 मिनट, यानी जो आउटलेट है वो उस पूरे टैंक को खाली करने में 24 मिनट्स का टाइम लेता है। क्वेश्चन नंबर था ये 10th। अब क्वेश्चन नंबर 9th की बात हम करें, तो क्वेश्चन नंबर 11th की बात करें, रिवर्स ऑर्डर में नहीं जाना, हमें आगे चलना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 11th क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया हुआ है, कहता है पाइप 3 है हमारे पास, यहाँ भी ए बी एन सी तीनों मिलकर एक टैंक को 72 मिनट्स के अंदर फिल कर रहे हैं। तीनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं और 72 मिनट्स के अंदर काम आपका पूरा कंप्लीट। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स रिमेंस ओपन फॉर 36 मिनट एंड देन पाइप सी इज क्लोज्ड। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। क्या ट्विस्ट कर दिया है कि कह रहा है कि पाइप ए और बी तो चल रहे हैं, पाइप ए बी सी तीनों चल रहे हैं 36 मिनट तक, 36 मिनट के बाद सी को कर दिया गया बंद। अब बाकी का काम कौन कर रहा है, ए और बी कर रहे हैं। इट टुक 1 आवर मोर टू फिल द टैंक बाय पाइप ए एंड बी, तो उससे क्या हो रहा है कि जितना भी टाइम लगना चाहिए था उससे 1 घंटा और एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, जितना टाइम लगना चाहिए था, अगर वो तीनों चलते रहते तो जितना भी टाइम लगता उससे 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। अब कह रहा है कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक बाय पाइप सी अलोन, अगर पाइप सी अकेला चलेगा तो कितना टाइम लेगा। तो पहले हम यह निकाल लेते हैं कि ए बी सी जो तीनों पाइप जब चल रहे थे इकट्ठे, 1 मिनट में उन्होंने कितना काम किया। ठीक है, पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 मिनट बाय ए बी सी, तीनों चल रहे हैं यहां पर, तो इन तीनों का 1 मिनट का काम कितना हो गया, ये 72 मिनट के अंदर फिल कर रहे हैं, यानी 1/72। अब लेकिन जो तीनों पाइप है वो चल कितनी देर तक रहे, 36 मिनट तक तो तीनों पाइप चलाए, तो 36 मिनट के अंदर उन्होंने कितना काम कर दिया, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 36 मिनट बाय ए बी सी। भाई 1 मिनट के अंदर इतना काम हो रहा था, तो 36 मिनट के अंदर काम हो गया 1/2, यानी आधा काम तो कंप्लीट हो गया ना हमारा,
आधा टैंक तो हमारा फिल हो गया 1/2, तो टैंक हमारा बाकी कितना रह गया, रिमेनिंग टैंक। तो टैंक रह गया हमारा 1 में से 1/2 माइनस करा हमने तो ये आ गया 1/2। अब ये जो 1/2 टैंक है इसको भरने में एक घंटा लग रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जब आपने पाइप सी बंद कर दिया, बंद करने के बाद ए और बी दोनों मिलकर पाइप को एक घंटे में भर रहे हैं, यानी एक घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब दोनों मिलकर एक घंटे में भर रहे हैं ना, तो यानी एक घंटे के अंदर वो कितना काम कर रहे हैं, आधा काम कर रहे हैं, मतलब आधा टैंक भर रहे हैं। आधा टैंक भरने के लिए उनको एक घंटा लग रहा है, किसको, ए और बी को। तो हाफ टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन कितने घंटे में भर रहे हैं, एक घंटे में भर रहे हैं। अब ये अगर एक घंटे में भर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों अगर पूरा का पूरा टैंक भरना पड़ जाता, अगर सी उनका साथ ना देता, सी उनके साथ काम ना करता, ए और बी अगर दोनों ही इकट्ठे काम कर दे, तो वो आधा टैंक अगर एक घंटे में भर रहे हैं तो एक टैंक जो पूरा टैंक है कंप्लीट टैंक, उसको भरने में उतना उन्हें कितना टाइम लगता, 1 × 2 यानी 2 आवर्स। 2 आवर्स का मतलब आप ये कह सकते हो 120 मिनट्स। यानी अगर ए और बी काम कर रहे होते, सी उस सीन में नहीं होता, तो आप उस टैंक को ए और बी के द्वारा 120 मिनट में फिल कर लेते, ठीक है। अब लेकिन सी तो यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर अब बताना है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक बाय सी अलोन। सी अकेला इस काम को करता तो कितनी देर में वो भर पाता। तो यहाँ पर देखो तीनों का काम था हमारे पास 1 मिनट का, यहाँ पर तीनों ने 1 मिनट के अंदर इतना काम किया। यहाँ पर अगर हम तीनों का 1 मिनट का, इन दोनों का 1 मिनट का काम निकालें, अगर ये एक टैंक को 120 मिनट के अंदर फिल कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 1 मिनट, तो ये आ जाएगा 1/120, क्योंकि 120 मिनट्स के अंदर ये दोनों कर रहे हैं, तो 1 मिनट के अंदर कितना होगा 1/120, और तीनों अगर करते हैं तो कितना होता 1/72। यानी अगर हम खाली सी का काम निकालना चाहें, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय सी अलोन, तो तीनों के काम में से दोनों का काम माइनस करो, तो तीनों का काम था 1/72 और दो का काम रह गया 1/120। अब 1/20 और 1/72 को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 360, तो यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आया 3, यानी 2/360, इसका मतलब आ गया 1/180। तो यानी सी अगर अकेला काम करता तो 180 मिनट का टाइम लगता उसको, तो टाइम टेकन बाय सी अलोन इक्वल्स टू 180 मिनट्स। 180 मिनट्स का मतलब हो गया 3 घंटे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, 3 घंटे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लो, HD क्वालिटी में बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो 12th क्वेश्चन में क्या कहता है कि कह रहा है 2 पाइप पी एंड क्यू कैन फिल ए टैंक इन 60 मिनट एंड 30 मिनट। इतना काम करा लिया उन्होंने, पाइप लगा लगा के इतने टैंक भर लिए कि अब तो थक गया, पर काम तो करना पड़ेगा भाई, उसने बोला है तो 60 मिनट के अंदर पहले वाला पाइप फिल करता है, 30 मिनट के अंदर दूसरा पाइप फिल करता है, तीसरा पाइप खाली कर देता है 5 लीटर वाटर पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 5 लीटर पानी स्वा कर देता है, यहाँ जो लीकेज हो रही है, ठीक है, वो लीकेज क्या कर रहा है, 1 मिनट के अंदर 5 लीटर पानी वहाँ से लीक हो जाता है। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपनड इट टुक 2 आवर टू फिल द टैंक। अगर हम तीनों टैंक को चलाते हैं तो उसको 2 घंटे पूरे लगते हैं फिल करने में। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो टैंक की आपको कैपेसिटी बतानी है। अब टैंक की कैपेसिटी बताने के लिए आपको इसने क्या क्या दिया है कि भाई पी काम कर रहा है 60 मिनट, क्यू काम कर रहा है
30 मिनट जो उसको ड्रेनेज कर रहा है उसका टाइम हमें नहीं दिया हुआ, हम मान लेते हैं कि भाई एक्स मिनट में वो ड्रेन कर रहा है, और जब वो तीनों इकट्ठे चलते हैं तो 2 घंटे लगते हैं उस पूरे टैंक को फिल करने में। 2 घंटे का मतलब हो गया 120 मिनट। तो तीनों पाइप को इकट्ठे चलाओ तो पहले वाला पाइप 60 मिनट ले रहा है, यानी 1 मिनट के अंदर 1/60 काम कर रहा है। दूसरा पाइप 30 ले रहा है, यानी 1 मिनट के अंदर 1/30 काम कर रहा है। जो ड्रेनेज पाइप है वो पानी को ड्रेन कर रहा है, निकाल रहा है 1 मिनट के अंदर। एक्स मिनट वो लेता है तो 1 मिनट के अंदर कितना काम कर रहा है, 1/x। तीनों मिलकर इकट्ठे चल रहे हैं, कितनी देर में पानी भर रहा है, 2 घंटे में पानी भर रहा है। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट्स, यानी 1 मिनट के अंदर कितना काम हो गया, 1/120। तो ये ड्रेनेज कितने में कर रहा है इसका टाइम निकाल लेते हैं। तो एक्स को उधर ले जाओ, 120 को इधर लाओ, 1/60, 1/30 माइनस 1/20 इक्वल्स टू 1/x। एलसीएम लेंगे तो ये 120 आ जाएगा, 62 जा 120, 34 जा 120 एंड 1, 2 + 4 = 6 माइनस 1 = 5, 24 × 5 = 120। तो जो ड्रेनेज है वो 24 मिनट ले रहा है। अब क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि भाई 1 मिनट के अंदर 5 लीटर पानी ड्रेन हो रहा है, वाटर ड्रेन्ड इन 1 मिनट इक्वल्स टू 5 लीटर। अब जो पाइप सी है, जो हमारा टैंक है जिसको हमने अभी भी भरा है बड़ी मेहनत से, और जो पाइप सी है अगर वो उसको खाली करने पे जाएगा तो वो 24 मिनट लेगा। तो यहाँ पर उसने बताया कि भाई 1 मिनट के अंदर 5 लीटर पानी ड्रेन हो गया, तो 24 मिनट के अंदर कितना पानी ड्रेन होगा, तो वाटर ड्रेन इन 24 मिनट्स। तो 24 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 120 लीटर पानी ड्रेन हो जाएगा 24 मिनट के अंदर। यानी जो टैंक हमारा जो उसने ड्रेन किया है भरा भरा है टैंक हमारा, खाली करा है, उसके लिए 24 मिनट लगाए, यानी 24 मिनट के अंदर इसने 120 लीटर पानी खरीद दिया है। तो हमारा जो टैंक था ना उसकी कैपेसिटी थी 120 लीटर, कैपेसिटी ऑफ टैंक ये है जी 120 लीटर्स, ठीक है। चेक कर लेते हैं आंसर 120 लीटर ही है या कम का है, बिल्कुल 120 लीटर है, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कहता है टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप विद अ यूनिफॉर्म फ्लो, द फर्स्ट 2 पाइप ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द टैंक इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज फिल्ड बाय द 3rd पाइप अलोन। पहला पाइप और सेकंड पाइप, ये दोनों पाइप मिलकर जितना भी काम करते हैं ना, ये अकेले 3rd पाइप के बराबर है। पहले दोनों का काम अकेले 3rd पाइप के बराबर है। द सेकंड पाइप फिल द टैंक 5 आर फास्टर देन द 1st पाइप एंड 4 आर स्लोअर देन द 3rd पाइप। जो पाइप बी है यानी सेकंड पाइप है, वो 5 घंटे तेज काम करता है पहले पाइप से, लेकिन 4 घंटे स्लो है 3rd पाइप से। तो अगर हम पाइप बी के बारे में आपको कंपैरिजन दिया है कि बी ए से तेज है, सी से कम है, तो बी का हम टाइम ले लेते हैं एक्स। तो टाइम टेकन बाय बी, लेट टाइम टेकन बाय बी ये मान लेते हैं कि भाई एक्स आर्स का टाइम वो ले रहा है। तो टाइम टेकन बाय ए, अब ए क्या है, ए बी से स्लो है। यहाँ पर क्या कह रहा है, द सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 5 आर फास्टर, पाइप बी तेज है, पाइप बी तेज है यानी पाइप बी कम टाइम ले रहा है, पाइप ए ज़्यादा टाइम ले रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब ये आएगा एक्स प्लस 5। और पाइप बी पाइप सी से 4 घंटे स्लो है, यानी जो पाइप सी है वो बी से 4 घंटे कम टाइम ले रहा है, यही मतलब हुआ इसका। अब साथ में इसने स्टार्टिंग में हमें दिया था कि अगर हम 2 पाइप को चलाएं, ए और बी 2 पाइप को चलाएं, तो उन दोनों का काम अकेले सी के बराबर है। तो यानी इसका अगर हम 1 घंटे का काम निकालें 1/x
बी का हम एक घंटे का काम, ए का एक घंटे का काम निकालें, 1/x + 5, इन दोनों का काम सी के काम के बराबर है। तो सी का काम ये हो गया। यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। इधर आ गया x+5, इधर आ गया एक्स, 1/x - 4, x+x 2x + 5, डिनोमिनेटर में आ गया x² + 5x। अब कर देते हैं हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² - 8x, फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5x - 20, 1 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, x² + 5x आ गया। अब ये सारी टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर लो, देखो 5x से 5x तो कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे, x² बचेगा, -8x और -20। अब इसके 20 के आपको फैक्टर कर लेने हैं जिससे आपके पास आ जाए 8। तो 20 के फैक्टर कर लेते हैं 10 और 2, सॉल्व करेंगे तो 8 भी आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर -8 चाहिए, तो एक फैक्टर बन गया हमारा x - 10, दूसरा फैक्टर बन गया x + 2। तो x की वैल्यू यहाँ से तो आ जाएगी +10 और यहाँ से आ जाएगी -2। अब x था क्या? x था टाइम। टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता जी, ठीक है। अब नहीं हो सकता तो x = -2 कैंसिल कर दो, तो बचा गया आपके पास x = 10। तो यहाँ पर दिखा दो कि बिकॉज x = -2 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 10। अब x की वैल्यू 10 पूछा गया है, ये भी लास्ट में ये ध्यान रखना कि आपने सब कुछ बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत बढ़िया से आपने आंसर निकाल दिया, फुल एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन लास्ट में जो पूछा है वो अगर आपने नहीं बताया तो गड़बड़ हो जाएगा। लास्ट में इसने पूछा गया है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप, जो पहला पाइप है जो ए है उसका टाइम बताना है। तो आपने यहाँ तक निकाला लेकिन ये नहीं लिखा टाइम टेकन बाय ए, तो आपका नंबर जो है वो कट जाएगा आधा या एक नंबर। टाइम टेकन बाय ए हो जाएगा 10+5 यानी 15 आवर्स, यानी ए इस काम को करने के लिए, इस पूरे टैंक को भरने के लिए 15 आवर्स का टाइम ले रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14th क्वेश्चन में कहता है कि 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक इन 5 आवर्स वर्किंग साइमल्टेनियसली। 3 पाइप है हमारे पास, तीनों के तीनों 5 घंटे तक काम करते हैं। द पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्टर बी एंड बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए। जो सी है वो बी से डबल तेजी से काम कर रहा है और बी जो है वो ए से डबल तेजी से काम कर रहा है। तो हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फुल द टैंक। तो अगर हम अकेले ए से काम चलाएं, खाली हम ए को ही काम पे लगा दें, तो कितने टाइम में जो हमारा टैंक है कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। तो पहले हम ए का ही टाइम ले लेते हैं एक्स। लेट टाइम टेकन बाय ए, लेट टाइम टेकन बाय ए ये मान लेते हैं कि भाई ये x आर्स लेता है ए। अब इसने बोला कि जो b है वो a से फास्ट है, डबल है। अब b अगर a से डबल है तो x अगर उसमें a अगर x मिनट ले रहा है तो b कितना लेगा? b उससे आधा टाइम लेगा। तो यानी b का जो टाइम है वो कितना हो गया? टाइम टेकन बाय b ये हो जाएगा x/2। और जो C है वो B का डबल है, यानी जितना टाइम B ले रहा है उससे आधा C लेगा। तो टाइम टेकन बाय C कितना हो जाएगा? x/2 का भी हाफ कर दो, तो x/2 का हाफ करेंगे यानी x/4। तो ये तीनों का टाइम आ गया। अब तीनों का एक एक घंटे का काम निकाल लो कि 1 आवर के अंदर कितना काम कर रहा है। तो ये वाला जो टैंक है वो 1 आवर के अंदर काम करेगा 1/x, ये काम करेगा 1/x/2 और ये काम करेगा 1/x/4 और तीनों मिलकर टैंक को भर रहे हैं 5 आवर्स के अंदर यानी 1/5। अब यहाँ से 2 को ऊपर ले जाओ, 4 को ऊपर ले जाओ, तो ये बन गया आपके पास 1/x, 2/x + 4/x = 1/5। डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो, तो x की वैल्यू आ गई 35। यानी टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए इज 35 आवर्स।
उसने खाली एक ही टाइम पूछा है, बस आप एक ही टाइम निकाल दो, बाकी का आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में कहता है कि टू टैब्स ए एंड बी, यहाँ पर लेते हैं हम। 15th क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15th क्वेश्चन में कहता है कि टू टैप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 4 hours and 6 hours रिस्पेक्टिवली। टैप ए 4 घंटे ले रहा है, टैप बी जो है 6 hours ले रहा है। एंड दीज पाइप्स ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट टेक्स 6 मिनट मोर टू फिल द टैंक ड्यू टू लीकेज। अब इन दोनों टैंक को हम खोल देते हैं, लेकिन वहाँ पर एक लीकेज भी दे रखी है आपको, पानी निकल भी रहा है। उस पानी निकलने की वजह से जितना टाइम इन्हें लगना चाहिए था एक्चुअल में, उस टाइम से 6 मिनट ज़्यादा का टाइम लग रहा है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में टाइम लग कितना रहता अगर ये लीकेज ना होती तो। तो पाइप ए और पाइप बी चलते, तो दोनों का टाइम कितना आ गया, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 1 hour। एक घंटे के अंदर इन्होंने कितना काम किया होता, 1/4 और 1/6। इसका 1 hour का काम ये, इसका 1 hour का काम यहाँ से आ गया। तो एलसीएम लिया हमने, 12 एलसीएम आ गया। तो एक मिनट के अंदर, एक घंटे के अंदर इन्होंने इतना टैंक जो है फिल कर दिया। यानी अगर हम टाइम निकालें यहाँ से, टाइम टेकन बाय ए एंड बी कब, ये कब का टाइम निकल रहा है अगर वहाँ पर लीकेज ना होती तो। तो टाइम लगता हमें, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 12/5 यानी 2 and 2/5 hours। तो इसका मतलब 2 hours तो देखो कंप्लीट हो गया। ये जो 2/5 है इसको आप कन्वर्ट कर लो मिनट में, तो ये बन गया हमारे पास 2 hours and 24 minutes। अगर लीकेज नहीं होती तो 2 hours and 24 minutes के अंदर हमारा टैंक पूरा कम्प्लीटली फिल हो जाता। लेकिन लीकेज की वजह से कह रहा है कि 6 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो ड्यू टू लीकेज टाइम कितना लग रहा है अभी, 2 hours and 24 minutes लग रहे हैं। इसके अंदर अगर मैं 6 मिनट और ऐड कर दूँ, 2 hours and 24 minutes के अंदर मैं 6 मिनट और ऐड कर दूँ, तो सीधा सीधा क्या बन गया, 2 hours and 30 minutes। 2 hours 30 minutes का मतलब 2.5 hours, तो डायरेक्टली आप आर में लिख सकते हो इसको, 2.5 मतलब 5/2 hours। यानी टोटल टाइम जब दोनों पाइप से पानी भर रहा था, लीकेज से पानी निकल रहा था, तो जो दोनों ये तीनों मिलकर 5/2 hours के अंदर पूरा का पूरा टैंक कम्प्लीट कर रहे हैं। अब हमें निकालना है कि जो लीकेज है वो अगर अकेली चलेगी तो वो पूरे टैंक को कितनी देर में खाली करेगी। तो हम मान लेते हैं कि भाई x मिनट का टाइम लगेगा। लेट टाइम टेकन बाय लीकेज बी x आर्स। सारा कुछ आर्स में चल रहा है तो आर्स में ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो a और b दोनों का 1 hour का काम था, कितना आया था, 5/12। ये दोनों का मिलाकर काम है, दोनों ने एक मिनट के अंदर इतना पानी भर लिया, लेकिन जो लीकेज है उसने 1 hour के अंदर इतना पानी खाली कर दिया। और ऐसा करने पर जो टाइम हमें लग रहा था, टाइम लग रहा था 5/2, यानी 1 hour के अंदर कितना पार्ट फिल हुआ, 1/5/2। तो यहाँ से आपके पास 5/12 आ गया, -1/x, ये आ गया 2/5। अब इस 2/5 को आप इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ और क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करो। तो 5/12 -2/5 = 1/x। इसका एलसीएम लेंगे 12 और 5 का, तो आ जाएगा 60। यहाँ से आ गया 24, यहाँ से आ गया 5 और 24, ये आ जाएगा 1/60। तो 1/60 का मतलब x की वैल्यू आ गई आपके पास 60। यानी जो लीकेज है ये इसको 60 आवर्स के अंदर पूरा का पूरा खाली करेगी, अगर अकेली जो लीकेज है सिर्फ वही चलेगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16th क्वेश्चन में कहता है ये टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 इनलेट पाइप पी एंड क्यू इन 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स।
15 मिनट और 20 मिनट्स, इन दोनों के अंदर दो इनलेट पाइप पानी भर रहे हैं। एंड द आउटलेट पाइप आर कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 24 मिनट, आउटलेट 24 मिनट के अंदर खाली कर देता है। इफ आउटलेट पाइप आर इज ओपन 6 मिनट आफ्टर द पाइप पी एंड क्यू आर ओपन, फाइंड द टोटल टाइम टू फिल द टैंक। अगर 6 मिनट के बाद पाइप सी ओपन, पाइप आर जो है वो ओपन किया गया, तो पहले 6 मिनट तक तो किसने काम किया, पी और क्यू दोनों ने पानी को भरा, तो वो कितना भर दिया, पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पी एंड क्यू इन 1 मिनट। तो पी जो है वो टाइम ले रहा है 15 मिनट, यानी इसका 1 मिनट का काम ये हो गया, क्यू इतना ले रहा है, इसका 1 मिनट का काम इतना हो गया। तो ये दोनों 1 मिनट तक चल रहे हैं और 1 मिनट के अंदर इन्होंने इतना काम फिल कर दिया। इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये बन गया आपका 20 और 50 का एलसीएम आ जाएगा 60, 15 प्लस 4 20 इंटू 3 यानी 7/60। ये काम हो गया इनका 1 मिनट का। अब ये कह रहा है कि जो आउटलेट पाइप है ना वो हमने ओपन करा है 6 मिनट के बाद, यानी 6 मिनट तक कोई टेंशन नहीं है, 6 मिनट तक पी और क्यू दोनों मिलकर पानी को भर रहे हैं। तो 6 मिनट के अंदर उन्होंने कितना पानी भर दिया, तो 6 मिनट के अंदर उन्होंने 6, ये इनका 1 मिनट का काम था, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 7/10, यानी उन्होंने पूरे पार्ट में से 7/10 जो है वो पार्ट फिल कर दिया है 6 मिनट के अंदर। यानी अब टैंक रह कितना गया, टैंक रिमेनिंग, तो पूरे टैंक में से 7/10 उन्होंने फिल कर दिया है, तो अब रह गया हमारे पास 3/10 कि 3/10 पानी अभी हमें और भरना है। लेकिन जब हम इसको भरने जा रहे हैं तो हमने जो तीसरा टैप था ना सी, वो भी खोल दिया है। अब उससे क्या हो रहा है, पानी लीक हो रहा है, कम हो रहा है पानी, तो उससे अगर लीक हो रहा है, अब हम तीनों को चलाएंगे इकट्ठे, तो उससे हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम इन तीनों को चलाएं, तो इसने 1 मिनट के अंदर कितना पानी भरना है, पी ने 1 मिनट के अंदर इतना भरना है, बी ने 1 मिनट के अंदर कितना भरना था 20, और जो हमारे पास ये लास्ट वाला पाइप आया है कितना, ये खाली कर रहा है 1 मिनट के अंदर 1/24। अब ये तीनों टैप चल रहे हैं, तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पी क्यू आर इन 1 मिनट, तो 1 मिनट के अंदर इन्होंने कितना पार्ट फिल कर दिया, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 मिनट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 120, 15 8 जा 26 जा 24 5 जा, 8 + 6 = 14, 14 - 5 = 9/120, यानी 3/40 टैंक भरने में इनको लगता है 1 मिनट। ठीक है, 3/40 टैंक फिल्ड इन 1 मिनट, यही निकाला है ना हमने यहाँ पर कि पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर हमने इतना टैंक भर दिया, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/40 टैंक फिल्ड इन 1 मिनट। तो यहाँ से अगर मैं इस 40 को इधर ले जाऊँ, पूरे को ले जाते हैं, कंप्लीटली वन टैंक फिल्ड इन, इसके लिए अब क्या करेंगे, 40 तो इधर ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, इतना टाइम लगा। अब टैंक एक्चुअली में हमें पूरा थोड़ी ना भरना था ना, जो कुछ पार्ट था वो तो पी और क्यू ने पहले से भर चुके हैं, कितना भर चुके हैं, वो इतना भर चुके हैं, 7/10 भर चुके हैं, तो इतना हमें अभी भरना है, तो हमें पूरा टैंक नहीं भरना, सिर्फ 3/10 भरना है। तो 3/10 टैंक फिल्ड इन 40/3 × 3/10, इससे कैंसिल, 10 से ये कैंसिल, यानी 4 मिनट के अंदर हम ये बाकी का जो टैंक है वो पूरा का पूरा फिल कर देंगे। अब यहाँ पर आंसर आ रहा है 10 मिनट, यानी क्वेश्चन के लास्ट में देखो पूछा क्या गया है, फाइंड द टोटल टाइम, यहाँ से टाइम नहीं पूछा, टोटल टाइम पूछा है, तो टोटल टाइम हमारा कितना बन गया, पहले के जो 6 मिनट थे, क्योंकि जो पाइप आर था वो हमने कब चलाया था, 6 मिनट के बाद चलाया था ना, तो पहले के 6 मिनट भी हमें काउंट करने,
और बाद के जो 4 मिनट है ये काउंट करेंगे, यानी टोटल मिलाकर 10 मिनट का टाइम लगा। अगर क्वेश्चन में ये बाद वाला पूछता कि आफ्टर दैट जब हमने इस पाइप आर ओपन कर दिया है उसके बाद कितना टाइम लग रहा है, तो 4 मिनट आता। टोटल टाइम पूछ रहा है तो पहले वाला टाइम जितना भी लगा था वो इसमें मैं ऐड कर देंगे, तो आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चन में दिया आपको, 3 पाइप्स ए बी सी कैन फिल ए टैंक टुगेदर इन 2 आवर्स। 3 पाइप हैं, तीनों मिलकर 2 घंटे में टैंक को भर देते हैं। पाइप बी एंड सी टेक्स 3 आवर टू फिल द टैंक। बी और सी अगर चलेंगे तो 3 घंटे ले रहे हैं, ए और सी चलेंगे तो 4 घंटे ले रहे हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच पाइप टू फिल द टैंक अलोन। तो ए ने अकेले ने कितना काम करा, बी ने कितना काम करा, सी ने कितना काम करा, सबका अलग अलग बताना है। ठीक है, यहाँ पर अब सारी टीम को हमें अलग अलग करके बताना है कि कौन कितना बढ़िया प्लेयर है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तीनों पाइप हैं, तो पार्ट ऑफ द टैंक पहले हम निकाल लेते हैं। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए बी एंड सी इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर ए बी सी ने मिलकर कितना काम करा, 1/2, 2 घंटे लग रहे। बी और सी ने 3 घंटे लेने, तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बी एंड सी ये आ गया 1/3, एंड ए और सी मिलकर ले रहे हैं 4 आवर्स। ए एंड सी ये ले रहे हैं 4 आवर्स। 4 आवर्स का मतलब 1 आवर के अंदर इतना काम कर दिया। अब यहाँ पर देखो, ये तीनों का काम था 1 घंटे का, यहाँ पर बी और सी का काम है 1 घंटे का। तो तीनों के काम में से अगर बी और सी का काम हटा दोगे तो किसका काम आ जाएगा आपके पास, ए का काम आ जाएगा। यानी पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए अलोन इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर ए अकेला कितना काम करेगा, जो तीनों का काम था उन तीनों के काम में से बी और सी दोनों का काम कर दो माइनस, तो ये आ गया आपके पास 3 - 2/6 यानी 1/6। ऐसे ही अब आप यहां से निकालो, अगर ए और सी को माइनस कर दें इसमें से तो बी का काम निकल जाएगा। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बी ये कितना आ जाएगा, 1/2 - 1/4। इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करके आप कहोगे तो आ जाएगा 1/4। ये आ गया हमारे पास बी का 1 आवर का काम। अब रह गया खाली सी, तो ए और बी दोनों के काम को, या आप ये करो कि यहाँ पर जो ए और सी का निकला था उसमें से आप सिर्फ ए का जितना काम निकला, ए का कितना निकला था हमारा 1/6, इसमें से 1/4 में से 1/6 माइनस कर दो तो ए का सी का काम निकल जाएगा। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय सी, ए और सी दोनों का मिलाकर था 1/4, इसमें से ए का हमने कर दिया माइनस। इसका एलसीएम लेंगे 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 - 2 यानी 1/12 आ गया। तो ये तीनों का 1/1 आवर का काम निकल गया, यानी टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए ये आ गया हमारे पास 6 आवर्स। टाइम टेकन बाय बी ये आ गया हमारे पास 4 आवर्स। और टाइम टेकन बाय सी ये आ गया हमारे पास 12 आवर्स। तो 6, 4 and 12 तीनों का हमने काम निकाल दिया। और आई होप आपको एक्सरसाइज ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हर एक क्वेश्चन अब आप कैपेबल हैं ये करने के लिए, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप कर सकते हैं इजीली। और अगर आपको वीडियो और उसका चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर कीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया था चैनल को, आप लोगों से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी चैनल को सपोर्ट करेंगे और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।